मां बिंदवासिनी, मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा, दैनिक राशिफल में आपका स्वागत है और आप बायोस्कोप न्यूज चैनल पे मुझको देख रहे हैं। प्यारे दर्शकों, अब जो है पितृपक्ष समाप्त ही होने वाली है और पितृपक्ष समाप्त होने के बाद दुर्गा पूजा का स्टार्ट हो जाता है, आप सभी जानते हैं। और आज जो है 14 अक्टूबर को महाल्या है और 15 अक्टूबर से पितृपक्ष चालू होगा। महाल्या जो होता है वह उत्तरी बिहार में, जैसे बिहार यूपी वगैरह में नहीं मनाया जाता है, लेकिन बंगाल के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है महाल्या के दिन माँ दुर्गा धरती पर आती हैं और लोग जो भक्त हैं उनका पूजा पाठ करके उनको आमंत्रण निमंत्रण देता है, जो आप मेरे घर में आइए माता जी और हम लोगों को खुशहाल बनाइए, जो ग्रह गोचर या कोई खराब दशा महादशा है उससे बचाइए। और साथ में 14 तारीख को चूँकि अमावस्या होती है, पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है और उसको सर्व पितृ भी बोला जाता है, तो उस दिन लोग अपने पितरों को भी पूजा पाठ करके दान दक्षिणा दे के पंडितों से, ब्राह्मणों से करवा के और कौवा के नाम से, चींटी, कुत्ता, गाय, इस सब के नाम से अर्घ निकाल के और अंश निकाल के दिया जाता है, जिससे उनको पूर्वजों का आशीर्वाद मिले और उनका पूर्वजों का जहाँ भी हो उनका कल्याण हो। और महाल्य का जो है एक और विशेषता यह भी है, जो उस दिन जो मूर्तिकार होते हैं वह माता के मूर्ति में, माँ दुर्गा के मूर्ति में आँख डालते हैं, इसका एक विशेष महत्व यह भी है। और उस दिन बड़ा धूमधाम से माता जी का पूजा भी किया जाता है और उनका आगमन के लिए, उनके अपने घर में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना किया जाता है, यह महाल्या का महत्व है। अब मैं दैनिक राशिफल में आप लोगों को दैनिक राशिफल तो बताऊंगा ही, साथ में एक चीज़ और बताने जा रहा हूं, जो राशिफल में 14 अक्टूबर का बताऊंगा, लेकिन 15 अक्टूबर को माता जी का कलस्थापन कैसे होगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाएगा, यह मैं बीच बीच में बताऊंगा, पाठ करने से क्या क्या फायदा होता है, क्योंकि बहुत से लाखों दर्शकों, हजारों दर्शकों का फोन आता है, जो पंडित जी चूँकि हम लोग नौकरी करने वाले हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें जिससे लाभ उनको मिल सके, तो ये सब चीज़ का मैं जानकारी बताऊंगा। अब मैं दैनिक राशि फल बोलने से पहले मैं थोड़ा सा तिथि के बारे में बता रहा हूँ। वो 14 अक्टूबर को तिथि अमावस्या है और उस दिन शनिवार दिन है और राहु काल जो है सुबह 9:30 सुबह से 10:30 तक रहेगा। राहु काल में यात्रा नहीं करना चाहिए, यात्रा का निषेध बताया गया है। अब मैं राशि फल के कर्म कार्यक्रम में मैं आपको मेष राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेष राशि के जातक को सावधान होकर रहना चाहिए, क्योंकि आज का जो दिन है वो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त इन द सेंस, जो आपको जो है, जो कोई किसी से कर्ज लिए होंगे तो वो कर्जदार आपको परेशान कर सकता है, और अपने खर्च पे भी कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो और आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं, और पुराने जो कोई शत्रु होंगे उनसे भी लड़ाई होने की संभावना है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। इन्वेस्ट वगैरह के बारे में आपको अभी नहीं सोचना चाहिए, और आपका जो भाग्य जो प्रतिशत है वह बहुत ही कम है, 40% के आसपास है, इसीलिए आप अपने कर्म पर ज़्यादा फोकस करें। दिन को अच्छा बनाने के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपको करना चाहिए। अब मैं वृषभ राशि वाले जातक के बारे में बताना चाहते हैं। जो जातक वृषभ राशि के हैं उनको जो है संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकता है, उनके संतान को उन्नति या कोई नौकरी सब में सफलता हो सकती है। साथ में ही जो है पढ़ाई लिखाई में अच्छा मार्क रिजल्ट भी आ सकता है, और कोई पुरानी योजना जो उनका होगा वह समाप्त होगा और नई योजना की ओर अग्रसर होंगे। काम धंधा में सफलता और लाभ का स्थिति बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट भी आप सोच समझ कर सकते हैं, भाग का प्रतिशत 60% से ज़्यादा है। आपको और अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए दुर्गा कवच का या दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो और अति शुभ होगा। अब मैं
मिथुन राशि वाले जातक के बारे में बताना चाहता हूँ। मिथुन राशि वाले जातकों का गोचर ये बता रहा है जो आपको अपने सेहत के प्रति सावधान रहने पड़ेगा, रिश्तेदारों से अपना अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, करना चाहिए। यदि आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो रिश्ता खतरे में आ सकता है, मनमुटाव की संभावना बनेगी, लड़ाई झगड़ा से दूर रहे, वरना कोर्ट कचहरी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। ऑफिस में अपने बॉस से विवाद नहीं करें, इन्वेस्टमेंट करने का समय अच्छा नहीं है। आपको सारी समस्याओं से बचने के लिए हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए और या गणेश कवच का, साथ में यदि आप गणेश जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं तो और अच्छा रहेगा, लड्डू के साथ दुर्वा, और आपका भाग परसेंट 50% के आसपास है। अब मैं कर्क राशि वाले जातक के बारे में बताना चाहता हूं। कर्क राशि के जो जातक हैं उनका जो समय है वह उतना अच्छा नहीं कह सकता, मध्यम है। उनको अपने स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना ही चाहिए, साथ में कोई पुराना धन जो होगा उन वो यदि वो उगाही करना चाहेंगे तो उसमें समस्या आएगी, और किसी को उधार नहीं दे वरना धन फंसने का संभावना बना हुआ है। और आपको प्रतियोगिता परीक्षा में भी मेहनत करने पड़ेगी, सफलता भी नहीं दिख रही है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी उपयुक्त समय नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है जो आपको अपने दोस्त या रिश्तेदारों का सपोर्ट मिल सकता है, जीवन साथी का भी सपोर्ट मिल सकता है, और आपको अपना दिन अच्छा बनाने के लिए अमोघ शिव कवच का पाठ या शिव चालीसा का पाठ करते हैं या 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके कहीं भी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपका भाग प्रतिशत 55% के आसपास है। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के बारे में बता रहा था, तो दुर्गा बहुत से दर्शकों का फोन आया जो पंडित जी किस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें जिससे उनको टाइम नहीं मिलता है फिर भी उनको लाभ मिल जाए, क्योंकि नौकरी पेशेवर आदमी को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने में यदि आप संपूर्ण पाठ करते हैं तो कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि ऑफिस जाना है, फिर काम करना है, फिर थक के शाम में 10 घंटा 12 घंटा काम करने के बाद तो उतनी ताकत और हिम्मत नहीं रहती है। तो मैं उन सभी को उनका जो समस्या है उनको दूर करते हुए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप 15 अक्टूबर को जो है आप कलश स्थापन सुबह में कर सकते हैं। कलश स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है 6:47 से लेकर आराम से कर सकते हैं, शाम तक कर सकते हैं, 8:30 तक बहुत अच्छा है, 6:47 से 8:30 तक। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त है जो है सो 12:45 से 11:45 से लेकर 1:30 तक का मुहूर्त जो है वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद संध्या में जो है वो रविवार दिन रहेगा तो राहु काल की स्थिति बने रहेगी, तो उस टाइम में कलश स्थापन 4:30 से 6 बजे तक नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पूरे दिन कलश स्थापन कर सकते हैं। कलश स्थापन करने के बाद क्या है, पाठ किस तरह से किया जाए जिससे आपको लाभ हो, मान छोटा सा माने किस किस तरह से, जैसे आप 13 अध्याय नहीं पाठ कर सकते हैं तो उसको बांट बांट के किस तरह से करना है मैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे प्रथम दिन जो है आप 1 अध्याय का पाठ करें, प्रथम दिन प्रथम दिवस के दिन नवरात्र के 1 अध्याय का पाठ करेंगे। द्वितीय दिवस को जो है वो आपको 3 और 4 अध्याय का, 3रा और 4था अध्याय का पाठ करें जो आसानी से कर सकते हैं। तीसरे दिन 4था अध्याय का करना है, तीसरे दिवस में 4था अध्याय का पाठ करना है। उसके बाद जो है चौथा नवरात्रि को जो दिन आएगा उसमें 5, 6, 7 और 8 अध्याय का पाठ करना है, 5, 6, 7 और 8 ये 4था नवरात्रा को करना है। पंचमी तिथि को या 5वां नवरात्रा को आपको 9 और 10 अध्याय का पाठ करना है। उसके बाद 6ठा तिथि जो आएगा उस दिन आपको 11वां अध्याय का पाठ करना है, और 7वां दिन जो है वह 12वां और 13वां अध्याय का पाठ करना है। उसके बाद 8वां तिथि जो आएगा नवरात्रा को तो दुर्गा सप्तशती में 3 रहस्य होता है, उस 3ों रहस्य का पाठ करना है, और
नौवां दिन जो है वह हवन कर लें। अष्टमी को भी बहुत आदमी हवन करते कर सकते, हवन करना है। उसके बाद कन्या का भोजन करवाना है और माता जी को से आशीर्वाद लेना है। ये आपका इस तरीके से भी आप पाठ यदि करते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती का लाभ मिलेगा। अब मैं राशि के बारे में बताने जा रहा हूं। सिंह राशि वाले जातकों का जो है वह दिन अच्छा दिख रहा है। यदि कोई पुराना धन किसी को दिए हैं तो उनको वह वापसी होने का संकेत मिल रहा है, लेकिन उनको अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। यदि वाणी पर कड़वापन हुआ तो लड़ाई झगड़ा की संभावना बन सकती है। ऑफिस में भी अपने बॉस का डांट सुनना पड़ सकता है। घर परिवार से में भी परिवार के सदस्य रिश्ता बिगड़ सकता है। और आपका जो भाग प्रतिशत है वह 60% के आसपास है। आपको बिजनेस व्यापार में लाभ और सफलता कम मेहनत से भी मिल सकती है, लेकिन आपको और अपना दिन अच्छा बनाने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें तो आपका दिन और भी अच्छा रहेगा। अब कन्या राशि वाले जातकों का जो है आज का दिन बहुत ही अच्छा है। कन्या राशि वाले जातकों आज आप रोमांटिक मूड में रह सकते हैं। अपने प्रेमी प्रेमिका या पत्नी के साथ कहीं घूमने फिरने आप जाने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। बिजनेस व्यापार में भी आपको लाभ मिलने का संभावना पूरा दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी उपयुक्त समय है। भाग का प्रतिशत आपका 70% से ज़्यादा है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए और शुभ और बेनिफिशियल बनाने के लिए आप गणेश सप्तशती का पाठ या गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आपका दिन और भी शुभ रहेगा। उसके बाद मैं तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहता हूँ। तुला राशि वाले जातक आप जो हैं अपने पुराने शत्रु से और रोग से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो पुराना शत्रु परेशान कर सकता है। खर्च आपका बढ़ सकता है, खर्च पे कंट्रोल करें, अपने क्षमता के अनुसार खर्च करें वरना कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है, विदेश से जुड़े मामले में आपको कोई समाचार शुभ समाचार मिल सकता है। जो बाहर जाना चाहते हैं जैसे वीजा वगैरह लगाए होंगे तो उनमें उनको सफलता मिलती हुई दिख रही है। और आपका भाग्य प्रतिशत जो है वह 55% के आसपास है। आपको दिन अच्छा बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए तुला राशि वाले जातकों को चाहिए दुर्गा कवच का पाठ करें तो और अच्छा रहेगा। अब मैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। उनका जो है वृश्चिक राशि वाले जातकों का दिन बहुत ही शुभ है और कम मेहनत में ही उनको बहुत लाभ मिल सकता है और कोई पुराना धन जो फंसा हुआ वो भी वापस आएगा और बिजनेस व्यापार में बहुत ही लाभ है और कोई दूसरे तरीका से भी उनको आज इनकम होने की संभावना दिख रही है। जैसे कुछ एक्स्ट्रा कमाई होने का संभावना दिख रहा है। कम मेहनत में सफलता मिलेगी, साथ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी शुभ अच्छा है। आपका भाग प्रतिशत 80% है और आपको और अपना दिन बेहतर बनाने के लिए यदि आप शिव चालीसा का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का तो और भी बेहतर रहेगा। अब मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में एक छोटा सा तरीका बता दिया। जो 13 अध्याय का पाठ डेली नहीं कर सकते हैं उनको, साथ में मैं नवारण मंत्र के बारे में, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले नवारण मंत्र का जितना संभव 1 माला 3 माला 5 माला 11 माला करना चाहिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा 15 तारीख वाला एपिसोड में जो राशिफल के कार्यक्रम में जो दुर्गा सप्तशती का कोई विशेष तरीका से बताऊँगा नवारण मंत्र का क्या अर्थ होता है, फिर और किस पाठ कौन अध्याय का पाठ करने से क्या लाभ होता है उस सब के बारे में बताऊंगा। अब मैं दैनिक राशि फल के कार्यक्रम में मैं धनु राशि के बारे में बताना चाह रहा हूँ। धनु राशि वाले जातक को चाहिए अपने पिता जी से सावधान रहना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे विवाद नहीं करना चाहिए वरना कार्यस्थल पर आपको बहुत ही बुरा स्थिति का सामना करना पड़ेगा और नौकरी में भी सफलता नहीं मिलेगी।
क्योंकि पिता जो है सूर्य का कारक ग्रह है और सूर्य से ही नौकरी के बारे में भविष्यवाणियां होती हैं, तो चाहिए कि आपको अपने पिता का इज्जत के पिता का आशीर्वाद लें। भाग प्रतिशत 55% के आसपास है, कर्म करेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। आज समस्या से बचने के लिए आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। अब मैं मकर राशि वाले जातकों को बताना चाहता हूँ। मकर राशि वाले जातकों, आज आपका दिन बहुत शुभ है, आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, भाग्य बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है, कम मेहनत करने से आपको सफलता बहुत ही ज़्यादा मिल रही है, आपका मनोबल हाई रहेगा, जो भी काम करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी, कार्यस्थल पर बहुत से आपको आपके कार्य से खुश रहेंगे, साथ में आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी शुभ समय आप चाहें तो कर सकते हैं, और आपका जो दिन है बहुत ही अच्छा बीतेगा, भाग प्रतिशत 80+ है, और आपको इसको और बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करें तो और भी बढ़िया रहेगा। अब मैं कुंभ राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। कुंभ राशि वाले जातक को आज आपको सावधान होकर रहना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति समस्या दिख रही है, खर्च आपका अनाप शनाप बढ़ सकता है, खर्च पे कंट्रोल रखें और भोजन जो है अपने स्वास्थ्य के अनुसार करें, वरना आपका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ी बीमारी होने की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है, और भाग प्रतिशत आपको 60% के आसपास है, इन्वेस्टमेंट से अभी दूरी बनाकर रहना चाहिए, और यदि आप और इस दिन को और अच्छा अनुकूल बनाना चाहते हैं, अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, तो आप हनुमान कवच का पाठ करें या बजरंगवान का पाठ करें तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मीन राशि वाले जातकों को बताना चाह रहा हूँ। मीन राशि वाले जातकों, आप जानते हैं इस साल आपको सारे साथी चढ़ा है, सारे साथी से आप संघर्ष कर रहे हैं, सफलता में आपको देरी हो रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आज के दिन बिजनेस व्यापार में मेहनत करते हैं तो सफलता और लाभ भी मिलेगी, लेकिन जो है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में नहीं रहें वरना नुकसान हो जाएगा। अपना कर्म ईमानदारी से मेहनत करें और अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें। कोई प्रेमी प्रेम का है तो भी अपने प्रेमी प्रेम का प्रति वफादार रहें, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें। आपका भाग प्रतिशत 55% है, मेहनत करने से आपको सफलता मिलेगी। यदि आप अपना दिन और बेहतर करना चाहते हैं तो केसर का तिलक लगाएं, ओम नमो वासुदेव बाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, आपका दिन शुभ रहेगा। दोस्तों, आप बायोस्कोप न्यूज चैनल देख रहे हैं, आपको यदि कोई समस्या हो तो आप मेरे जो नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा, आपका दिन शुभ रहे और आप बायोस्कोप न्यूज चैनल देखते रहे। जय मां विश्ववाणी, धन्यवाद। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।